गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा साहिल और आप देख रहे हैं बीविस्टर। दोस्तों, ओडिशा के अंदर अगर किसी व्यक्ति को फैमिली पेंशन मिल रही है या उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है या वॉलंटरी पेंशन मिल रही है, जिस किसी भी तरह की पेंशन उसे मिल रही है और उसमें वो रिविजन करवाना चाहता है, कुछ अपडेट कराना चाहता है, कुछ चेंजेस कराना चाहता है, रिन्यूअल करा रहा है, तो इसके लिए वो घर बैठे ही कैसे अप्लाई कर सकता है। ऑफिशियल पोर्टल इसके लिए बनाया गया है जिसका नाम है अर्पणा पोर्टल। अब वो उस पर जाकर कैसे अप्लाई करेगा, कौन कौन से स्टेप्स उसको फॉलो करने होंगे, चलिए समझते हैं। दोस्तों, ये है ऑफिशियल पोर्टल और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यूजर मैनुअल पर क्लिक करते हैं और समझते हैं किस तरह से जो है हमें फॉर्म भरना होगा। तो आप इस पेज पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर देखिए वो पेज आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट वाला। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिए ये फॉर्म है। इस तरीके से आपको ये जो भरना होगा वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम इनकी साइट पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट करनी है, यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया गया है, एक एक चीज़ बताई गई है फॉर्म के बारे में। देखिए यहाँ पर ये सब करने के बाद आपको कन्फर्म कर देना है, फिर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद जो है आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये पूरी डिटेल जो है आपको यूज़र मैनुअल पर देखने को मिलने वाली है। अब मैं आपको फॉर्म भरना बताता हूँ, आपको फॉर्म भरना कैसे है। सबसे पहले आपको, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। मेरे पास आधार कार्ड नहीं है मान लीजिए, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं इसके बाद इस पेज पर पहुँच जाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना होगा कि सिलेक्ट योर पेंशन इशूइंग अथॉरिटी, की कौन आपको पेंशन इशू करता है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके हिसाब से ही लेट से अकाउंट जनरल जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन है, वॉलंटरी पेंशन है या डिसेबिलिटी पेंशन है। लेट्स से फैमिली पेंशन है। स्केल ऑफ पे किस तरह स्केल है, यूजीसी है या नॉन यूजीसी है। उसके बाद है नेम ऑफ द फैमिली पेंशन, जो भी फैमिली पेंशन पर्सन का नेम है जिसको मिलती है उसका नाम यहाँ आएगा। फिर नेम ऑफ द रिलेशन, जो फादर है, मदर है, स्पाउस है, वो सब सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नाम डाल देना है। PPO, ये PPO का यहाँ पर जो आपको नंबर डालना होगा ये होता है पेमेंट ऑर्डर, जो नंबर होता है एक वो आपको यहाँ पर डालना होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। उसके बाद पेंशन अकाउंट नंबर होता है वो यहाँ डाल देना है। फिर पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी टाइप सेलेक्ट करना है कि आपको बैंक से मिलती है, सब ट्रेजरी से मिलती है या डिस्ट्रिक्ट से। मान लीजिए आपको बैंक से मिलती है, वहाँ का IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच नेम और फिर उसके बाद डेट ऑफ कमर्समेंट ऑफ द फैमिली पेंशन की कब से आपको मिल रही है, वो सब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट आपको मिलता है वो सब बता देना है। रिसीविंग एनी अदर पेंशन, कोई और पेंशन तो नहीं ले रहे हैं, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय द पेंशनर, कितने साल से, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। फिर है प्रेजेंट पेंशन सेक्शन अथॉरिटी ऑफिस, जो आप जहाँ से आप ले रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस और सबमिट। ये एक सिंपल सा तरीका है अप्लाई करने का। इसमें यहाँ पर लिखा है रिवीजन ऑफ पेंशन, अगर आपको कोई भी चेंजेस होते हैं, आप कुछ कराना चाहते हैं अपनी पेंशन में, तो आप यहाँ से इस फॉर्म के जरिए करवा सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है। इसी तरीके से आप चाहे आपकी वॉलंटरी पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा किसी और योजना के बारे में या किसी और विषय पर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट में आप उसका नाम लिख सकते हैं। और डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स देखने के लिए चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जा सकते हैं, वहां मैं डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स डालता रहता हूं। देश के सभी राज्यों की योजनाएं चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। आप चाहे ओडिशा से हों या बिहार से हों, उत्तर प्रदेश से हों, कहीं से भी, जिस भी स्टेट से आप हैं, सारी योजनाएँ वहाँ देख सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।